दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आरपीएससी के बाहर कुछ ठेले, जूस के ठेले और फूड की गाड़ी है, इनकी 2-3 की शिकायत थी, जिसको दोनों को हटाया गया। जूस के ठेले को ऑन रोड जो खड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं, पुरानी गाड़ी है, पंचर अवस्था में, उस गाड़ी से खाना बना करके लोगों को परोसा जाता है। ये हाईवे वाला रोड है अपने जयपुर वाला, इस पर ऑन रोड ये खड़ी है और ऑन रोड लोग इकट्ठे होकर के खाना वाना खाते हैं, तो किसी भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। इसी को देखते हुए इस गाड़ी को क्रेन से उठा करके और बोया जा रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई जो है। क्या लगता है मैडम, कोरोना जो महामारी चल रही है, इससे कि ये फैलता है जो इस तरह से खाना, जिस तरह से फूड ये बना के बेच रहे हैं, जिसमें ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है, ना कोई प्योरिटी की, मैं देख रही हूँ गाड़ी में बिल्कुल गंदी वगैरह पड़ी हुई है और ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मेन है कि ये सड़क पे खड़ी है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये जयपुर हाईवे रोड है अपना अजमेर का, और पब्लिक अगर गाड़ी के दोनों तरफ, जैसे इसने बैरियर 4 फीट दूर अगर पत्थर रख रखे, उस पर इसका बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड के आगे पब्लिक इकट्ठी होकर के खाना फूड लेती है, जो भी ये फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं, तो इससे पूरा जो रास्ता है ये बहुत ही इसमें रुकावट होती है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आगे भी कार्रवाई रहेगी। हाँ, आगे भी अगर कोई कंप्लेन आती है आसपास की तो बिल्कुल होगी। अभी 2-4 हमने लगा के उसको हटाया है और आए दिन यहाँ से शिकायत आती रहती है, उसको जैसे